पिछले क्लास में हमने पावर एम्पलीफायर स्टार्ट किए थे। उसके अंतर्गत हम क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लिए। उसमें हमने इफिशियंसी कैलकुलेशन किया था। तो उसमें हमें क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड पावर एम्पलीफायर, क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड पावर एम्पलीफायर के केस में हमें मैक्सिमम इफिशियंसी कैलकुलेशन किया था ईटा मैक्सिमम। तो ईटा मैक्सिमम की वैल्यू हमें क्या मिला था, 25% मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि वो क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर है वो इनपुट एसी सिग्नल के 100% में से, इनपुट डीसी सिग्नल के 100% में से ओनली 25% को ही वो एसी पावर के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर पाता है। क्लियर हुआ? तो कोई भी पावर एम्पलीफायर का डीसी इनपुट पावर को उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट एसी पावर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है, उसी कन्वर्जन जो एबिलिटी है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है? तो कोई भी पावर एम्पलीफायर है वो इनपुट के फॉर्म में डीसी पावर लेता है और बदले में क्या देता है, वो आउटपुट एम्पलीफाइड एसी पावर। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर की मैक्सिमम इफिशियंसी है वो 25% होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट डीसी पावर के 25% को ही वो एसी पावर में कन्वर्ट कर पाता है, और रिमेनिंग जो 75% जो पावर जो है वो उस पावर ट्रांजिस्टर में हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। तो कोई भी पावर एम्पलीफायर का जो डीसी आपका पावर जो डिसिपेशन है वो पावर डिसिपेशन की वैल्यू कोई भी पावर एम्पलीफायर में लार्ज होती है, और उसकी पावर जो एम्पलीफायर है वो क्या होता है, वो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो पावर डिसिपेशन इन क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर पावर एम्पलीफायर। ठीक है? पावर डिसिपेशन इन क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर पीडी इस पावर डिसिपेशन एंड पावर डिसिपेशन पी डी विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ इनपुट डीसी पावर टू आउटपुट एसी पावर। ठीक है? तो कोई भी पावर एम्पलीफायर का पावर जो डिसिपेशन होता है, पावर डिसिपेशन की वैल्यू है वो इनपुट डीसी पावर पी डी सी और आउटपुट एसी पावर, उन दोनों के डिफरेंस का क्या होता है, इक्वल। तो उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल को ही पावर डिसिपेशन बोलते हैं, और पावर डिसिपेशन को मैथमेटिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीडी से। क्लियर हुआ? अब जैसा कि आप सबको पता है कि डीसी ऑपरेशन का केस, डीसी ऑपरेशन के केस मतलब क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल इज जीरो। तो जब हम उस पावर एम्पलीफायर में कोई भी एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किए नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, उस इनपुट एसी सिग्नल के कारण कोई भी इनपुट एसी करंट का फ्लो नहीं होता, और उस इनपुट एसी सिग्नल के कारण कोई भी उसमें एम्पलीफाइड आउटपुट करंट है वो भी हमें नहीं मिल पाता। तो जब इन एक्सटर्नल एसी सिग्नल की वैल्यू जीरो है तो उस पर्टिकुलर केस में उस एम्पलीफायर में कोई भी आउटपुट एसी पावर डेवलप नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर केस में पी एसी की वैल्यू है वो जीरो होंगे। तो जब हम एसी सिग्नल ही अप्लाई नहीं किए तो उसमें एसी करंट का फ्लो नहीं होगा, और जब उसमें एसी करंट का फ्लो नहीं होगा तो उसमें कोई भी एसी पावर है वो डेवलप नहीं होंगे। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पी एसी दैट मीन्स आउटपुट एसी पावर की वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जब एक्सटर्नल एसी इनपुट की वैल्यू है वो जीरो है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में पी एसी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। पी एसी की वैल्यू जीरो होने से पी डी जो पावर डिसिपेशन की वैल्यू है वो क्या होगा, पी डी सी का क्या हो जाएगा, इक्वल। क्योंकि आप सबको पता है
कि जब एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू है वो जीरो रहता, कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर केस में ट्रांजिस्टर के बेस पर जो करंट होता है वो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज वीसीसी के कारण होता है, और उस एक्सटर्नल बेस कर वीसीसी के कारण उसमें बेस करंट का फ्लो हुआ, और फ्लोइंग इनपुट बेस करंट के कारण उसके कलेक्टर पर जो करंट फ्लो होता है वो भी क्या है आपका डीसी करंट ही है। तो डीसी सप्लाई के कारण उसके कलेक्टर पर करंट का फ्लो होता है, और उस कलेक्टर के कारण उसमें जो भी पावर डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी पावर बोलते हैं। तो जो भी आपका डीसी जो पावर जो होता है वो इनपुट सप्लाई जो वोल्टेज है उसके थ्रू क्या होता है, ड्रॉ होता है, और वो इनपुट आपका डीसी जो पावर है वो VCC इंटू ICQ का क्या होता है, इक्वल। तो PDC दैट मीन पावर डिसिपेशन इन क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियल फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर PD इक्वल टू PDC एंड PDC इज अगेन गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ VCC एंड ICQ। दिस ICQ इज व्हाट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट, एंड दिस VCC इज व्हाट, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वोल्टेज। तो डीसी सप्लाई वोल्टेज और उस सप्लाई वोल्टेज के कारण उसके कलेक्टर पे फ्लोइंग करंट के दोनों का जो प्रोडक्ट है वही डीसी पावर होगा, इनपुट डीसी पावर, और वो इनपुट डीसी पावर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PD, दैट मीन्स पावर डिसिपेशन व्हेन नो एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाई टू द पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो जब उस पावर एम्पलीफायर में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लोड पर जो पावर ड्रॉ होता है उस पावर को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डीसी पावर बोलते हैं, और वो इनपुट डीसी पावर है VCC और ICQ के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल। तो जब हम उसमें कोई भी आपका एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई नहीं करते, इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू जीरो रहता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो पावर जो डिसिपेशन होता है वो डीसी पावर का इक्वल होता है। दैट मीन्स अप्लाइड डीसी पावर के कारण, अप्लाइड डीसी सप्लाई के कारण जो भी उसमें पावर डेवलप होता है वो डेवलप्ड कंप्लीट जो पावर है उस पावर ट्रांजिस्टर पे क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिसिपेट हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मिलता है, PD मैक्सिमम, और ये PD मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC इंटू क्या हो जाएंगे, ICQ। तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पावर का क्या करता है, उसमें डिसिपेशन होता है, और ये जो डिसिपेशन होता है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट में पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। तो लार्ज अमाउंट में हीट आपका पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है, उस डिसिपेटेड हीट की वैल्यू इतना ज़्यादा होता है कि अगर उस पावर ट्रांजिस्टर से उस हीट को अगर ट्रांसफ़र ना करे तो वो जो पावर ट्रांजिस्टर है वो ओवरहीट होकर के कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पावर ट्रांजिस्टर को डैमेज होने से अगर प्रोटेक्ट करना है तो उस हीट डिसिपेशन है, इस हीट को ट्रांसफ़र अगर करना है तो हीट को अगर ट्रांसफ़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट सिंक यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, हीट सिंक। तो हीट सिंक क्या होता है, बेसिकली आपका कंडक्टिंग मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम जैसे कंडक्टिंग मटेरियल का क्या होता है, एक लार्ज एरिया वाला क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सॉरी दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो हीट सिंक क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक आपका स्ट्रिप टाइप, आपका एक कंडक्टिंग मटेरियल सच एस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो रहता है, वो जो स्ट्रक्चर है क्या करता है, टू ट्रांसफ़र द हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ, सरफेस ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ, तो उस पावर ट्रांजिस्टर के सरफेस से हीट को क्या कर देता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में
ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली हीट जो सिंक होता है एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है उस पावर ट्रांजिस्टर के बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में इनपुट डीसी पावर का मैक्सिमम जो अमाउंट है वो हीट के फॉर्म में ही डिसिपेट हो जाता है। हीट के फॉर्म में डिसिपेट होने के कारण उस ट्रांजिस्टर के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ट्रांजिस्टर के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांजिस्टर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्लियर हुआ? तो अगर आपको ट्रांजिस्टर को अगर डैमेज होने से प्रोटेक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस ट्रांजिस्टर के बॉडी की हीट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर की बॉडी की हीट को डाउन करने के लिए, लो करने के लिए आपको एक ही उपाय है कि आप उसके अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करो और एब्जॉर्ब करके उसको बाहर रिलीज कर दो। क्लियर हुआ? तो ट्रांजिस्टर के बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहरी इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए जिस आपका स्ट्रक्चर का यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, हम हीट सिंक बोलते हैं। तो ध्यान ये रहे जब भी आप पावर ट्रांजिस्टर यूज़ करोगे आपको हीट सिंक की आवश्यकता होगी ही होगी। तो याद रखना जब एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू जीरो है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इनपुट डीसी सप्लाई के कारण जो इनपुट पावर ड्रॉ होता है उस इनपुट पावर है वो कम्प्लीटली उस पावर ट्रांजिस्टर पे हीट के फॉर्म में क्या होता है, डिसिपेट होता है। और उसी पर्टिकुलर कंडीशन में हमें पावर डिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो जब इनपुट सप्लाई की वैल्यू जीरो है तभी उसमें हीट की डिसिपेशन है वो आपको क्या मिलेगा, लार्जर हीट डिसिपेशन मिलेंगे। सबसे लार्ज अमाउंट में हीट है उसमें क्या होगा, डिसिपेट होगा। क्लियर हुआ? तो जब एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किए करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इनपुट डीसी सप्लाई के कारण जो पावर डेवलप होगा वो पावर है वो कम्प्लीटली उसमें क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलो देखते हैं डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की एडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हमने बेस बायस या फिर फिक्स्ड बायस मेथड का यूज़ किए थे बायसिंग के लिए। तो एक बायसिंग रजिस्टर आरबी का ज़रूरत पड़ रहा था और एक सिंपल आपका उसमें क्या यूज़ हो रहा था, एक कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस RL यूज़ किए थे और सर्किट बहुत ही सिंपल था। तो सर्किट क्या है, बहुत ही सिंपल है, सर्किट बहुत सिंपल है दैट मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। तो लिख सकते हैं आपका सर्किट वेरी सिंपल है एंड ईजी टू डिज़ाइन और उसको एंड ईजी टू डिज़ाइन उसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान। सर्किट है बहुत ही सिंपल है और उसको डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ? ठीक, अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, हम इस डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में लोड की तरह प्योर रजिस्टर को यूज़ किए हैं, प्योर रजिस्टिव लोड यूज़ हुआ है और हेवी ट्रांसफार्मर जैसे एलिमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। तो हेवी ट्रांसफार्मर जैसे एलिमेंट का यूज ना होने के कारण इस एम्पलीफायर का कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सर्किट इज़ चीपर, ठीक है, सर्किट इज़ चीपर बोल सकते हैं, सर्किट इज़ चीपर। क्यों चीपर है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, लिख सकते हो, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉस्टली ट्रांसफार्मर। एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टर जैसा जो एलिमेंट होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टर जैसे कोई भी एलिमेंट का यूज़ नहीं किया है, इस कारण इसका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो सर्किट इज़ चीपर। अब कोई भी ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टर जैसे हेवी वेंट या हेवी या लार्ज कंपोनेंट का यूज़ नहीं हुआ है, इस कारण ये इसका साइज क्या होगी, छोटी। जब एम्पलीफायर की साइज छोटी होगी तो इसको डिज़ाइन करने के लिए सर्किट बोर्ड में जो जगह की ज़रूरत होगा वो कम होगा। सो लेस स्पेस
लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड इन सर्किट बोर्ड। ठीक है, सर्किट बोर्ड जब आप इसका डिज़ाइनिंग करोगे तो डिज़ाइनिंग करते समय आपको सर्किट बोर्ड में जो जगह की आवश्यकता होगी वो जगह क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका एडवांटेज। सर्किट बहुत ही सिंपल होता है, आसानी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सर्किट चीपर है, चीपर इसलिए बताया क्योंकि इसमें कॉस्टली एलिमेंट ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टर जैसे कॉस्टली एलिमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, तो कॉस्टली एलिमेंट और लार्जर साइज वाले या फिर हेवी कंपोनेंट ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टर जैसे कंपोनेंट का यूज़ ना होने के कारण ये सर्किट बोर्ड में स्पेस भी कम लेता है। तो अगर आप इसको डिज़ाइन करोगे, अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको बनाना है, तो ये इसके लिए जो स्पेस बोर्ड की आपका सर्किट में स्पेस की आवश्यकता होगी वो बहुत ही कम होगी, लेस स्पेस है वो रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर हुआ? अब इसको देख सकते हैं, अब इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस, ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस पावर एम्पलीफायर में लोड है उसको डायरेक्टली हम कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और लोड जो यूज़ होता है वो इसमें प्योर रेजिस्टिव लोड होता है। तो प्योर रेजिस्टिव लोड होने के कारण क्या होता है, इनपुट डीसी पावर का मैक्सिमम जो अमाउंट है उस प्योर रेजिस्टिव लोड में हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ पावर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो लोड है उस लोड रेजिस्टर को डायरेक्टली हम कलेक्टर से कनेक्ट किए हैं, तो कलेक्टर से कनेक्ट किए हैं और रेजिस्टर जो होता है बेसिकली क्या होता है, एक आपका पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है, वो अपने अंदर पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर देता है, उससे उसमें क्या होता है, लॉसेस है वो ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट हम बोल देते हैं इसमें वेस्टेज ऑफ पावर इज हाई। ठीक है, वेस्टेज ऑफ पावर इज हाई। ठीक है, पावर का वेस्टेज इसमें क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ पावर इज हाई, तो पावर का वेस्टेज क्या होता है इसमें, हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि इसमें लोड हम यूज़ किए हैं वो क्या है, प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो प्योर रेजिस्टर को ही यहाँ पर लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं, इस कारण इसमें पावर की लॉसेस हैं वो क्या है, ज़्यादा हो रहा है। अब जैसा कि आपने देखे हैं इसका एफिशिएंसी हमने कैलकुलेशन किया था, सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट पावर का 25% का ही कन्वर्जन कर पा रहा था और रिमेनिंग 75% इसमें पावर है वो लॉसेस हो जा रहा था, पावर का डिसिपेशन हो जा रहा था, इस कारण इसमें क्या बोलेंगे, पावर डिसिपेशन इज मोर बोल सकते हैं हम, पावर डिसिपेशन इज मोर। ठीक है, पावर डिसिपेशन इज मोर। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन मोर है, तो पावर डिसिपेशन मोर है तो उस पावर ट्रांजिस्टर का हीट है क्या हो, उसके अंदर के बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पावर ट्रांजिस्टर है वो ओवरहीट होंगे और ओवरहीट होने के कारण वो पावर ट्रांजिस्टर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर आपको उस पावर ट्रांजिस्टर को अगर प्रोटेक्ट करना है, डैमेज होने से अगर बचाना है, तो आपको ऑलवेज इसमें हीट सिंक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बोल सकते हो हीट सिंक इज एसेंशियल करके अगला, हीट सिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दी पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो पावर ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट सिंक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ? अब अगला देखो, अब चूंकि हम इस पावर एम्पलीफायर में लोड की तरह हम रजिस्टर को यूज़ किए हैं, तो लोड जो यूज़ हुआ है वो प्योर रजिस्टिव लोड हुआ है, तो प्योर रेजिस्टिव लोड होता है उसकी वैल्यू जो होती है लोड की रेजिस्टेंस या फिर उसकी लोड इम्पीडेंस क्या होती है, हाई होती है। तो जब वो हाई आउटपुट इम्पीडेंस वाले एम्पलीफायर के साथ
अगर किसी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लोड सच एज लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस है 8-10, 3 से आपका 16 ओम के आसपास मिलेंगे आपको, तो 3-16 ओम के आसपास वाले अगर किसी लाउड स्पीकर को अगर डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से अगर आप कपल करना चाहेंगे, तो एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस है वो वेरी हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोड जो यूज़ होता है वो प्योर रेजिस्टिव लोड होता है। तो प्योर रेजिस्टिव हाई इम्पीडेंस वाले आपके सर्किट है, अगर उसमें आप किसी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले अगर लाउड स्पीकर को आप कनेक्ट करना चाहेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस है वो वेरी हाई है, बट लोड लाउड स्पीकर की इनपुट इम्पीडेंस है वो वेरी लो है, तो दोनों की इम्पीडेंस जो है वो क्या होगा, मिसमैच्ड होगा, क्योंकि एक का वैल्यू हाई दूसरे का क्या है लो, तो इम्पीडेंस है वो मिसमैच्ड हो जाता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाता है। इम्पीडेंस मैचिंग ना होने के कारण क्या होता है, एम्पलीफायर में जो आपका पावर डेवलप होता है वो डेवलप्ड पावर है वो कम्प्लीटली लाउड स्पीकर को ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। क्लियर हुआ? तो लाउड स्पीकर को ट्रांसफर नहीं हो पाता, ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग इज नॉट अचीव्ड, ऐसा बोल सकते हो, इम्पीडेंस मैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस हाई है, बट अगर हम किसी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लाउड स्पीकर को अगर जोड़ना चाहे उससे, तो दोनों का इम्पीडेंस है वो डिफरेंस होता है, जिससे पावर एम्पलीफायर का पावर कम्प्लीटली लाउड स्पीकर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। सो इम्पीडेंस मैचिंग इज नॉट अचीव्ड, इसमें इम्पीडेंस मैचिंग है वो नहीं मिलता। क्लियर हुआ? इम्पीडेंस मैचिंग नहीं मिलता। अगला बोल सकते हैं लॉसेस ज़्यादा है, सो इफिशेंसी इज वेरी पुअर। अगला इफिशेंसी इज वेरी वेरी पुअर, तो इफिशेंसी इस केस में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इफिशेंसी क्या होता है, वेरी पुअर होता है, बहुत ही कम होता है। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। मैंने इसमें पावर डिसिपेशन पे डिस्कशन किया कि वो मैक्सिमम अमाउंट में पावर को डिसिपेट कब करेगा, जब हम उसके इनपुट में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब इसके इनपुट पे कोई भी एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, इनपुट डीसी सप्लाई के कारण जो पावर उसमें ड्रॉ होता है, वो ड्रॉन पावर कम्प्लीटली है उसमें हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो जब इनपुट एसी सिग्नल ज़ीरो होगा, तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर है वो हीट के फॉर्म में क्या होंगे, डिसिपेट होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो पीडी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसीसी एक्सटर्नल इनपुट डीसी वोल्टेज इनटू उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के कारण उसमें फ्लो होने वाला क्विसेंट कलेक्टर करेंट, या फिर नो सिग्नल कलेक्टर करेंट, दैट मीन्स डीसी करेंट। तो डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के प्रोडक्ट को ही डीसी पावर बोलेंगे, और उसी इनपुट डीसी पावर को लेकर ये क्या करता है, आउटपुट एसी पावर जनरेट करता है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे।